प्यारे साथियों नमस्कार। अगर आप भी आईटीआई में एडमिशन के लिए मॉपअप के लिए अगर आपने विलिंगनेस सबमिट किया था तो आप लोगों को बता दूं, जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि 18 तारीख को आप लोगों का जो है काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि आपका नाम आखिर एडमिशन के लिए आया या नहीं आया, या फिर अगर आया तो कितना तारीख को आप लोगों को जो है काउंसलिंग के लिए पटना जाना है। तो ये सारा जानकारी आपको बता दें कि बोर्ड के द्वारा जारी किया जा चुका है। आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एडमिशन के लिए हुआ या नहीं हुआ, आपको कब पटना बुलाया गया है, ये सब भी बात जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जो है आप देख सकते हैं bcacboard.bihar.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर हम हल्का बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं डेट एंड टाइम फॉर है ना ऑफलाइन मॉपअप काउंसिलिंग फॉर ITI CET 2024, इसी पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें एक PDF है, वो PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो चलिए हम आप लोगों को खोल के दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी यह PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी हमने डाल दिया है। तो चलिए हम नोटिस में दिखाते हैं कि क्या कुछ जो है जानकारी दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग आएंगे, नोटिस को जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये नोटिस जो है आपका ITI काउंसलिंग से संबंधित है और 18/9 को जारी किया गया है। इसमें जो मुख्य बात है वो हम आपको बताते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत ही लंबा 56 पेज का ये आपको पता होना चाहिए कि नोटिस है। इसमें सभी बच्चों का आपको पता होना चाहिए कि रोल नंबर दिया गया, जितने भी बच्चों का सिलेक्शन किया गया है एडमिशन के लिए उस सभी बच्चों का इसमें क्या है रोल नंबर दिया गया है। और आपको इसमें बताया गया है कि किस बच्चों को कितना तारीख को आना है। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख भी सकते हैं कि 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जितने भी बच्चे जो हैं है ना विलिंगनेस सबमिट किए थे मॉपअप काउंसलिंग में भाग लेने के लिए, उन सभी का जो है यहाँ पर मेगा सूची जो है जारी कर दिया गया है। तो इसमें आइए देखते हैं कि क्या कुछ जानकारी दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्लियर रूप से देख सकते हैं, यहाँ पर हल्का हम बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा जिला का नाम दिया गया है, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब काउंसलिंग, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि पटना 1 का जो है इन लोगों को बुलाया गया है 21/9 को 10 बजे, ठीक है। तो ये आपको जाना कहाँ है, पटना में जाना कहाँ है, वो हल्का आप लोग एड्रेस भी देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि कार्यक्रम के अनुसार आप लोगों को पहुँचना कहाँ है, तो आपको पहुंचना है, एड्रेस आप लिख लीजिए, परिषद कार्यालय है ना IAS संघ भवन पटना हवाई अड्डा के निकट। आप पटना हवाई अड्डा के निकट चले जाइएगा और हवाई अड्डा के पास जाने के बाद आप परिषद कार्यालय संघ भवन वहां जाइएगा, वहीं पर आपका क्या है काउंसलिंग होने वाला। अब आपको पता कैसे चलेगा इतना बड़ा जो है लिस्ट में आपका नाम यानी कि आपका रोल नंबर कैसे आप खोजेंगे, ये सारे बच्चों का रोल नंबर ये क्या है, ये सभी बच्चों का रोल नंबर है, किस बच्चों को किस तारीख को पटना बुलाया गया है उसी का जानकारी इसमें दिया गया। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा उनका रोल नंबर इसमें नहीं होगा। तो चलिए कैसे चेक करना है कि आपका रोल नंबर आखिर इसमें आया कि नहीं आया। तो आप देखिए, सबसे पहले आप तो एक एक करके खोज सकते नहीं है, 56 पेज का है, तो इसके लिए आपको सर्च कर लेना है। आपको जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर से कोई एक रोल नंबर हम उठा लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कि 14/0/1605। अब आपको क्या करना है, इसको PDF में खोलना है और PDF में सर्च करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप लोग जो है देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे हमने क्या कहा 14 है ना 0 और 1605 1605 हमने बोला था। अब ये लिखने के बाद आपको क्या कर लेना है, तो सर्च कर लेना है, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपको सर्च का बटन जो है दिख रहा होगा नीचे, तो आपको क्या कर देना है सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च कीजिएगा तो देखिए इस बच्चा का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर है ना रेड हो गया और आपके सामने आ गया, ठीक है। तो अब जैसे देखिए 14/0/1605 जिन भी बच्चा का रोल नंबर होगा उसको पटना कब जाना है, तो यहाँ पर आप हल्का ऐसे करेंगे और इससे ऊपर देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग यहाँ पर क्लियर देखेंगे ये रोल नंबर है और इससे ऊपर आपके ज़िला का नाम लिखा होगा, ठीक है, ज़िला का नाम लिखा है रोहतास,
है ना, टाइम एंड डेट ऑफ इंटरव्यू क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30/9/2024 को इनको 10 बजे, सुबह 10 बजे पटना क्या करना है, पहुँचना है। तो ऐसे ही आप लोग भी सर्च कर सकते हैं आप अपना रोल नंबर। जैसे कि मान लीजिए, एक और हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए कि है ना 15 डबल या फिर कुछ ऐसे ही हम मान लेते हैं कि 15/01/447 हमने सर्च किया, 15/01/447 हमने क्या कर दिया, यहाँ पर सर्च कर दिया। सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि इस बच्चा का रोल नंबर यहाँ पर शो हो चुका है, और रोल नंबर में आप लोग जो है क्लियरली देख सकते हैं कि रेड जो है ये ब्लिंक हो रहा है। तो जहाँ भी आपको रोल नंबर आपका दिखाई दे, उसके ऊपर देखिए कि आपके ज़िला का नाम कहाँ लिखा था। यहाँ पर ज़िला का नाम लिखा है कैमूर, तो इनको कहाँ, डेट एंड टाइम कब दिया गया इंटरव्यू का। इंटरव्यू का मतलब है कि आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा, काउंसलिंग होगा। तो इनका डेट जो है देख सकते हैं कि 4/10/2024 है, कितना बजे, तो 10 बजे, सब बच्चों को 10 बजे ही पहुँचाना है। दूसरी बात याद रखिएगा कि आपको जिस डेट में बुलाया जा रहा है इस बार उसी डेट में पहुँचना है। ये राउंड वन और राउंड टू का काउंसलिंग नहीं था जिसमें आप लेट भी गए तो काम चला। आपको जिस डेट में बुलाया जा रहा उसी डेट में जाने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको अच्छा से अच्छा ट्रेड मिलने की संभावना है, वरना आपको ट्रेड जो है नहीं भी मिल सकता है, या फिर आपको काउंसलिंग भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि कैसे आपको पहुँच ये करना है। अब आपको ले क्या जाना है, तो सारा डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ले करके आपको जाना है, इसके लिए हमने आपको पहले के वीडियोज में जानकारी दिया है। और आपको अलग से कोई लेटर नहीं जारी किया जाएगा, यही है आपका लेटर। ठीक है, यही आपका क्या है, लेटर है। बहुत से बहुत मान सकते हैं कि आपको करना क्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये है पेज नंबर आपका, मान लीजिए कि 4, और इस 4 नंबर पेज पर यहाँ पर आपका रोल नंबर है। तो आप इस एक पेज का, जैसे कि मान लीजिए आपने सर्च किया तो ये वाला आपका रोल नंबर दिखाई दिया। ठीक है, तो आप बहुत से बहुत क्या करिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसी एक ही पेज का, पूरे 56 पेज का नहीं, किसी जिस पेज में आपका रोल नंबर है उसी पेज का आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, और यही आपको प्रमाण के तौर पर लेके जाना है कि मेरा नाम आया है। एक ये ले जाना है, सारा डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो पीछे के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी ITI में एडमिशन ले चुके हैं, या तो फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में, और उन्होंने मॉपअप के लिए भी अप्लाई किया था ताकि मेरा कॉलेज या फिर मेरा ट्रेड चेंज हो जाए। तो उनका, जिनका भी फर्स्ट या सेकेंड राउंड में एडमिशन हो चुका है, उनका तो डॉक्यूमेंट जमा है कॉलेज में, तो वो क्या करेंगे, तो आप जो है ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, वो सारा जो है अगर आप काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं तो सारा डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज से लेना होगा। ठीक है, कॉलेज जाइए, जिस भी कॉलेज में आपका फर्स्ट या सेकेंड राउंड में एडमिशन होगा वहाँ पर आपका सारा डॉक्यूमेंट रखा होगा, वहाँ पर जाइए और सारा डॉक्यूमेंट ले आइए, और तब लेकर के आपको क्या करना है, पटना जाना है। और अगर आप नहीं जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगना है, तो आपको इस चैनल पर जाना है, और इससे पहले 2-3 वीडियो जो आया है उसको आपको देख लेना है जिसमें डॉक्यूमेंट का जानकारी दिया गया है। तो आप लोग ये सारा जो है समझ गए होंगे हम आशा करते हैं, और ये आपका लास्ट चांस है ITI में एडमिशन पाने का। इसके बाद कोई भी सूचना या फिर कोई भी कुछ जारी जो है नहीं किया जाएगा बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये जरूर डाउनलोड कर लीजिए और उस एक पेज का प्रिंट निकलवा लीजिए जिस पेज पर आपका नाम है। ठीक है, आशा करते हैं कि जानकारी अच्छा लगा होगा। जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।